वेलकम टू सबलाइम क्लासेस। आज हम देख रहे हैं एजुकेशन की क्लास, और एजुकेशन की क्लास में आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने पार्ट 4 बनाया था, तो पार्ट 4 में मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था जिसके आंसर आपने दिए, कुछ लोगों ने सही दिए, कुछ लोगों ने गलत दिए। तो चलिए पहले उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आज की जो चर्चा है उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्रशिक्षण रणनीति माना जाता है। तो ये टीचर एजुकेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको अध्यापक शिक्षण ध्यान रखना है, ठीक है। तो खाली शिक्षण अगर लिखा होता तो हो सकता है वो आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर बदल जाता है, लेकिन अध्यापक शिक्षण की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग बीएड करते हैं, कुछ लोग डीएलएड कर रहे हैं जो कि पहले बीटीसी था, है ना। तो डीएलएड, बीएड, बीएड, एमएड, जो भी चीज़ें चलती हैं उसमें कहीं ना कहीं एक शिक्षण प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। हम किसे फॉलो करते हैं, किसे नहीं फॉलो करते हैं, तो बात की बात है, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है उसमें कौन सी चीज़ या कौन से टर्म को अप्लीकेबल किया जाता है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर चार आपके पास ऑप्शन है, अनुभवजन्य अधिगम, अवधारणा मानचित्रण, सूक्ष्म शिक्षण या विचारावेश प्रक्रिया। तो आप लोग जब, अगर आपने बीएड किया है तो आपके लिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये चार ऑप्शन है। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फिर आप आराम से बता देंगे कि जो चार ऑप्शन है उसमें जो प्रशिक्षण रणनीति के अंतर्गत आता है उसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। तो ये जो माइक्रो टीचिंग टर्म है ये ज़्यादा यूज होता है, है ना। आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार, भाई माइक्रो टीचिंग शुरू हो गई, माइक्रो टीचिंग होनी है, माइक्रो टीचिंग का रजिस्टर बनना है, क्योंकि अब मैं बीएड डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे ज़्यादा कॉमन लगती है। लेकिन हो सकता है आप लोगों की, जो लोग नहीं बीएड किए हैं, जो लोग एमए करके पेपर देने जा रहे हैं या एमए के थ्रू आगे नेट निकालना चाहते हैं, तो हो सकता है वो माइक्रो टीचिंग वाले शब्द से थोड़ा सा अनजान हो। तो फिलहाल आपका सही आंसर है सी, सूक्ष्म शिक्षण। और इसमें हम मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है, अगर मैं देखता हूँ कहाँ लिंक अगर होगा तो मैं उसको डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको देख लीजिएगा और पूरी चीज़ समझ लीजिएगा। तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है उसको कम से कम 10 भागों में बांटा जाता है, और 10 भागों में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब कुछ आपको उस वीडियो में मिलेगा, ताकि आपको कभी भी माइक्रो टीचिंग से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें डाउट ना हो। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं, और उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड। कभी कभी स्टूडेंट सेंटर्ड भी लिख के आ सकता है, तो कभी आप ये मत समझिएगा कि वो अलग है और बाल केंद्रित अलग है। तो बाल केंद्रित हो चाहे चाइल्ड सेंटर्ड हो, एक ही बात होती है। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व इस समय इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा होती है, जो मनोविज्ञान से रिलेटेड होती है, उसमें सबसे ज्यादा जो अहमियत मिलती है वो मिलती है बाल केंद्रित शिक्षा को, है ना। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो आजकल की शिक्षा है उसमें सेंटर में कौन है, मतलब किसे सेंटर में माना जाता है, तो आप कहोगे बालक को या स्टूडेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बाल केंद्रित शिक्षा। बात करते हैं आगे कि इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं कि उसका मतलब क्या है, इसमें पूछा गया है। तो बच्चों द्वारा पसंद की गई शिक्षा, अब बच्चे अगर किसी शिक्षा को पसंद कर रहे हैं तो हो सकता है वो उनका जो मतलब है वो खराब हो या अच्छा भी हो, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं आधा सही है और आधा गलत है, वो आधे आधे की बात छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। शिक्षा बच्चों और शिक्षकों दोनों को पसंद है, ये चीज़ तो मुझे, मैंने जब देखी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि जब दोनों लोगों को एक ही चीज़ पसंद है तो आज जो शिक्षक हैं और शिक्षा में जो बच्चे हैं, है ना, शिक्षक और शिक्षा दोनों कहीं ना कहीं एक अपने मुख्य मार्ग से बदल चुके हैं ना। मैंने तो कई कॉलेजों में देखा है ना, टीचर जो है स्कूल जाना चाहता है कॉलेज, और ना ही स्टूडेंट जाना चाहता है। आप बताइए अगर दोनों को पसंद है तो क्या ये संभव है, नहीं है ना। तो जो चीज़ें दोनों को पसंद हो गई और दोनों एक अपना मार्ग चुन लिए कि चलो छोड़ो पढ़ाई करनी ही नहीं है, तब फिर कैसी शिक्षा। आगे बात करते हैं, शिक्षा बच्चे की जरूरतों और आकांक्षा के अनुरूप हो, तो एस्पिरेशन और जो नीड है वो चीज़ पूरी करनी चाहिए, है ना। उसको कितना आसान बनाना है वो तो बात की बात है, यहाँ ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है।
आगे क्या है, जब बालक को कक्षा के बीच में बैठाकर सिखाया जाए, कक्षा के बीच में बैठाकर कोई शिक्षा हो रही इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणाओं के सही समुच्चय का चयन करना है आपको। बौद्ध धर्म का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब जो बौद्ध धर्म का जो भी टर्म आते हैं बौद्ध धर्म में इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से इसमें लिखे हुए हैं, कौन कौन से नहीं है। अब चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, नीचे आप देख ही रहे हैं कि आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस चार ऑप्शन में इसका मतलब यह है कि चार ऑप्शन सही हैं। और सीधे सीधे आपको वो बात अगर यहाँ नहीं पता है तो आप वो ये क्वेश्चन जो है गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में जो टर्म आते हैं इंपॉर्टेंट वो नहीं पता होंगे तो यहाँ आपको कोई सोचने का कोई मतलब ही नहीं। मैं अगर आपको याद दिलाने का प्रयास करूँ, नहीं ये होता है वो होता है, क्या मतलब जब आपने पढ़ा नहीं। तो यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म का जो भी दर्शन है, फिलॉसफी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और भी जो है दर्शन है, जैन दर्शन है, वैदिक दर्शन है, उसकी फिलॉसफी थोड़ी बहुत जरूर पढ़ लीजिएगा। दो या तीन नंबर आपको आराम से मिल जाए, माफ कीजिए, दो से तीन प्रश्न आराम से आपके सही हो जाएंगे। तो मैं फिलहाल आपको पॉइंट बताता हूँ, जो ये अनेकांतवाद है ये जैन धर्म से संबंधित है। वैभाषिक, पवज्जा, संस्कार और स्वतांत्रिक, ये चारों जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो स्यादवाद है ये भी आपका जैन धर्म से संबंधित। तो पहला और छठा जो पॉइंट है ये दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं, बाकी चार आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें 2, 3, 4, 5 लिखे हों, जी हाँ फोर्थ जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, है ना। और इसमें मैं पॉइंट बता दूं, जो पवज्जा संस्कार है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा जगत का पेपर देने जा रहे हैं, कोई भी रिलेटेड पेपर है, तो पवज्जा क्या चीज़ होती है ये मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए पवज्जा है क्या, तो ये आज का प्रश्न है आपके लिए कि पवज्जा संस्कार क्या है, इसमें होता क्या है, एक लाइन में बताना है आपको पवज्जा संस्कार क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर देंगे। बाकी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववादी शिक्षा का समर्थन करने वाले अध्यापक द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। आपको सीधे सीधे अस्तित्ववाद को समझना है, तो अस्तित्ववाद में हमेशा मूल्यों की बात होती है, और वो भी जो आपके पर्सनल वैल्यूज हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी वैल्यूज क्या है, आपको करना क्या है इस दुनिया में, करने क्या है। तो अस्तित्व क्या है आपका, क्यों अस्तित्व है, किस वैल्यू को लेकर आप चलना चाहते हैं। तो जब व्यक्तित्व, व्यक्तिनिष्ठता और मूल्यों की बात आती है तो अस्तित्ववाद भी कहीं ना कहीं वहां आ जा रहा है। अब यहां वही मिलते जुलते आपको सारे मिलेंगे, बस इसी में से आपको ढूंढना है। तो मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता, वैल्यू कैन नॉट टॉट। मूल्य व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिक होते हैं, जी हाँ दोनों सही हैं। मूल्य अनिवार्य रूप से प्रासंगिक परंतु वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये गलत हो जाएगा। मूल्यों को बाजारी शक्तियों से लिया जाता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दो सही हैं, मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता, तो ये कहीं ना कहीं आधा सही है और आधा गलत है। भाई पढ़ाया नहीं जाएगा तो मूल्यों के बारे में पता कैसे चलेगा, भाई जो सामाजिक मूल्य है, वैसे तो यहाँ व्यक्तित्व की, व्यक्ति जो पर्सनल वैल्यू है उसकी बात हो रही, लेकिन फिर भी मूल्यों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, और कभी कभी खुद के भी हमारे कोई वैल्यूज होती हैं। तो एक हिसाब से यहाँ पर ये काटना पड़ेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मूल्य व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिक होते हैं। तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा किसमें निहित है, तो आपको बताना है कि शैक्षिक अवसर यानी कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, मतलब किसको शैक्षिक अवसर मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा हर स्टूडेंट को बराबर शैक्षिक अवसर मिलने चाहिए। और ख़ास बात तो ऐसी है कि पता चला शैक्षिक अवसर तो आपको मिल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है शैक्षिक अवसर आपको मिल रहे हैं लेकिन आपके वाले नहीं मिल रहे हैं। आप चाहते हो कि मैं एक क्रिकेटर बनूँ, एक खिलाड़ी बनूँ, और आपके स्कूल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत कुछ है, लेकिन क्रिकेट खेलने का कोई साधन आपको नहीं मिल रहा है, तो ये कौन सी आपको शैक्षिक योग्यता मिली। आप क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं, मैथ भी अच्छा लगाते हैं, तो इन दो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अगर लेके चलना है तो कैसा स्कूल होना चाहिए जहां हर संसाधन आपके लिए हो और आपके जैसी क्वालिटी है, आप जो करना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपको मिले,
तभी शैक्षिक अवसर में समानता मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि विद्यार्थियों को पुस्तकें एवं गणवेश मुहैया कराना सही है, कोई बात नहीं। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराना, जी हाँ, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं फिर भी। विद्यार्थियों को अधिकाधिक विषयों में सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिकाधिक विषयों में सीखने का मतलब कोई है ही नहीं कि हम शैक्षिक अवसर में समानता दे रहे हैं, यहाँ तो समानता वाली बात नहीं आ रही। विद्यालय आधारित परीक्षाओं में सफलता हेतु अधिगम की परिस्थितियों को इष्टतम बनाना, तो परीक्षाओं में सफलता के लिए, तो परीक्षाओं में सफलता के लिए वैसे तो सच्चाई यही है कि हम आज का जो माहौल है वो परीक्षाओं में सफलता के लिए ही परिस्थिति को मेंटेन कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज़ बच्चा सीखना चाहता है, जिस तरीके से सीखना चाहता है, उसमें हम पूरी तरीके से पिछड़ रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो कुल मिला के फिलहाल ये गलत है और सही है, लेकिन यहाँ इसको बहुत मजबूत पॉइंट नहीं मानेंगे। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है और बी ऑप्शन इस हिसाब से आपका सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर जोर देता है? ठीक है, शारीरिक आयाम यानी कि फिजिकल डायमेंशन, आपका जो शारीरिक स्वरूप है, आप छोटे थे तो कैसे थे, बड़े थे तो कैसे हो गए, मोटे हैं कि पतले हैं, मतलब शरीर किस तरीके का है आपका, है ना, खिलाड़ियों वाला है या थोड़ा आलसी टाइप का है, जो भी अवधारणाएं हैं वृद्धि से संबंधित होंगी, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा बी, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। वैसे ये विकास की अवधारणा भी है, क्योंकि विकास की अवधारणा जितनी भी अवधारणाएं होती हैं, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे लर्निंग से रिलेटेड हो, चाहे मेंटल, कोई भी हो, विकास में सब कुछ आता है। लेकिन जब बात हो रहा है कि जोर देने की, कि कौन सा पॉइंट जोर देता है फिजिकल डायमेंशन पर, तो आप वहां बताएंगे ग्रोथ पर, क्योंकि ग्रोथ ही सबसे जो ज्यादातर देखी जाती है वो शरीर में देखी जाती है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है, तो बी ऑप्शन काफी ज्यादा सही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हर जगह भी ऑप्शन आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के किस नियम को संशोधित करना पड़ेगा, मतलब कौन सा ऐसा नियम था जिसको बाद में उन्होंने थोड़ा सा संशोधित किया था, मतलब चेंज, बदल नहीं दिया, थोड़ा सा उसमें संशोधन किया, थोड़ी सी चेंजिंग लाए, तो रिवाइज करके उसमें से कुछ पॉइंट्स को उन्होंने घटाया बढ़ाया, जो भी था अभी बताता हूँ। तो आपको पता है कि तीन नियम दिए थे थार्नडाइक ने और यहाँ पर चार नियम लिखे हुए हैं, तो एक तो नियम होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है जो उसमें डी ऑप्शन है ये तो अपने आप गलत हो जाएगा। और इन तीन नियमों में से आपको बताना है कि कौन सा नियम संशोधित करना पड़ा था। मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न लगभग तीन बार पूछा जा चुका है, तीन बार। एक बार तो मैंने इसमें इसको फर्स्ट पेपर में देखा है, दो बार मैंने इसको नेट के पेपर में ही देखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नियम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर एक बार या दो बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब आगे भी किसी न किसी रूप में आ सकता है आपके सामने। तो थार्नडाइक द्वारा जो नियम था वो कौन सा था, अगर आपको पता है तो आप आंसर लगा चुके होंगे, तो मैं आपको सीधे आंसर पर ले चलता हूँ, प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। तो प्रैक्टिस इफेक्ट और रेडीनेस में जो प्रभाव का नियम है कहता क्या है, तो प्रभाव का नियम ये कहता है कि जिस काम में आपको संतोष मिले, अच्छा लगे, तो उस काम में आपको अच्छा रिजल्ट भी मिले, तो आपको वो काम करने में सहायता मिलती है और आपको आप काम को आगे भी अच्छे से करने लगते हैं। लेकिन अगर वो काम आपको संतोषप्रद नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तब आप जो है परेशान हो जाते हो और कहते हो ये काम हम नहीं कर पाएंगे और आप उसको आगे बंद कर देते हो। लेकिन इसी बात को इन्होंने आगे चेंज किया कि बंद तो हम कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर एक मोटिवेशनल थॉट आता है कि हमें ये करके देखना है, हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हमें यहाँ ये काम अच्छे से हम कर सकें आगे, मतलब एक मोटिवेशन आता है ना, कभी कभी हम कोई काम नहीं कर पाते हैं तो हम उसके लिए और मेहनत करना शुरू कर देते हैं। इसको कहीं ना कहीं आप अभ्यास के नियम से जोड़ भी सकते हैं। तो प्रभाव का नियम जो संशोधित किया, यही किया कि संतोष अगर नहीं भी मिल रहा है तो कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उस काम के लिए मोटिवेशन ले लेते हैं और उस काम को और अच्छे से करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज संशोधन की गई, बस आप इतना मुख्य रूप से याद रखिए कि प्रभाव के नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट को रिवाइज किया गया था थार्नडाइक के द्वारा। तो बी ऑप्शन फिर से सही हो गया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आगे है,
एक कॉलेज का पुस्तकालय अध्यक्ष छात्रों के बीच भिन्न भिन्न पुस्तकों की मांग को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों को खरीदने की योजना बनाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित में से कौन सी माप इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होगी? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अगर आप पढ़ते हैं, बहुत लोग स्टेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत जरूर पढ़ लिया करिए। अगर आप स्टेटिक्स में बहुत अच्छे हैं तो ये आपके लिए बहुत सरल सवाल है, लेकिन मोस्टली लोग स्टैटिक्स का पार्ट थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं क्योंकि उसको फिर अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। इसकी तैयारी फिर आपको ये नहीं कि दो तीन महीने में हो जाएगी, क्योंकि स्टैटिक्स अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बताई जा रही है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये बहुत छोटे से होते हैं, मीन, मीडियन, मोड एंड एसडी, बस चार ही चीज़ें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसमें अगर एक दो सवाल आ जाते हैं तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं कि कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष छात्रों के भिन्न भिन्न पुस्तकों की मांग को ध्यान में रखते हुए, मतलब मान लो कोई मैथ की बुक है तो कहता है कि भाई 10 लोग कहते हैं भाई ये वाली बुक लाइए, कोई साइंस की बुक है तो 15 लोग कह रहे हैं ये वाली बुक लाइए, आर्ट की बुक है तो 15 लोग कह रहे हैं ये वाली बुक लाइए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे डिजिट मिलेंगे जो बार बार आ रहे होंगे, है ना। ऐसे ही मान लीजिए कोई साइकोलॉजी की बुक है तो वो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से वो डिवाइड करता है कि कौन सी बुक ज़्यादा चाहिए, कौन सी बुक कम चाहिए। तो यहाँ पर कई नंबर्स आपके सामने आ जाते हैं, तो आप कौन सी स्टैटिक्स का जो मेजरमेंट है उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो मैं सीधे आपको आंसर पर ले चलता हूँ, बहुलांक मान, यानी कि जिसको हम बहुलक या इंग्लिश में मोड कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जब मान लीजिए 2, 5, 3, 8, 5, 4, 9 इस तरीके से मान लीजिए ये नंबर आ गया हमारे पास, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जो जिस नंबर को ज़्यादा रिवाइज किया जा रहा हो उसको मोड कहते हैं। बहुत इजी पॉइंट है यहाँ पर। तो ऐसे ही जब पुस्तकों की मांगे हैं वो भी कई तरीके की हैं, जहाँ कभी वो देख रहा है कि इस पुस्तक की ज़्यादा मांग है तो उसको वो लिख लेता है, तो वो मोड को यूज़ करेगा कि कौन सी बुक को ज़्यादा मांगा जा रहा है, कौन सी बुक को कम मांगा जा रहा है, ठीक है। इस हिसाब से आपका जो यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पर सी होगा, यहाँ इंग्लिश में भी यही गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला प्रयोग और क्षेत्र प्रयोग में मुख्य अंतर क्या होता है? तो प्रयोगशाला प्रयोग और क्षेत्र प्रयोग, तो ये दोनों प्रकार के रिसर्च हैं। तो ये जो प्रयोगशाला प्रयोग है ये जो है ये तो प्रायोगिक होगा, और जो क्षेत्र प्रायोगिक क्षेत्र प्रयोग होते हैं इसको हम अप्रायोगिक कहते हैं। प्रयोगशाला में क्या कहते हैं, एक निश्चित लोग होते हैं कि हाँ चलिए इसमें हम 50 लोगों पे कर रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र प्रयोग होता है इसमें डिसाइड नहीं हो पाता कि इतने लोगों पर ही प्रयोग होगा। मान लीजिए हमने क्षेत्र लिया, मान लीजिए हमने एक शहर ले लिया, या जैसे कोई मान लीजिए कि आगरा एक शहर है और आगरा में हमने एक पार्ट ले लिया कि भाई जो ताजमहल के आसपास रहते हैं हम उन पर प्रयोग करना चाहते हैं किसी भी चीज़ पे, तो वो कोई लिमिटेड नहीं होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट करती हैं दोनों प्रयोगों को। अब अंतर क्या आएगा ये इसमें से ढूंढना है हमको। तो चरों के मापन में परिशुद्धता, यानी कि चरों जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके मान में कितना कितनी शुद्धता है, कितना वो सही है, कितने नहीं है। प्रदत्त विश्लेषण तकनीकों का प्रयोग, तो विश्लेषण तकनीकों का प्रयोग में कोई अंतर करना पड़ेगा या वही विश्लेषण तकनीक हमको लगानी पड़ेगी। बाह्य चरों के नियंत्रण की मात्रा या अनुसंधान उपकरणों का प्रयोग, वैसे तो ये सारी चीज़ें लगभग सेम हैं, यहाँ पर चरों की बात जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई चरों के मापन में शुद्धता कितनी आएगी। तो जाहिर सी बात है शुद्धता बहुत अच्छी नहीं आ पाएगी जो क्षेत्र प्रयोग होगा, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात हो रही है कि बाह्य चरों में नियंत्रण की मात्रा, 50 लोगों को तो आप नियंत्रित कर सकते हो, 50 लोगों को तो आप वेरिएबल बना सकते हो कि भाई चलो इन 25 को ऐसे करके देख लेते हैं और इन 25 को ऐसे करके देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप चेंजिंग इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे कि इनको ऐसे कर लेते हैं, इनको वैसे कर लेते हैं। तो जो कंट्रोल है ना वेरिएबल का, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, है ना, कुछ लोग सोच रहे हो मैं वेरिएबल में यहाँ कंट्रोलिंग की क्या बात होती है, आप हमारा एक वीडियो देखिएगा जिसमें हम प्रयोगात्मक अनुसंधान की मैंने बात की है, उसको आप देखिएगा।
तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बात समझ में आ जाएगी कि वेरिएबल को कंट्रोल करना कितना जरूरी होता है। तो बाह्य चरों को नियंत्रण करने की मात्रा ही सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि अगर आप वेरिएबल ही नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो उसको मेजरमेंट क्या करेंगे, कौन चीज कितना वेरिएबल हो गई यही नहीं जान पाए, कौन कितना ज्यादा हो गया, कौन चर में कितना अंतर आ गया, और ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्रयोगशाला जो प्रयोग होता है उसमें हम काफी ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, और जो जैसे कोई क्षेत्र प्रयोग है तो उसमें हम इतनी आसानी से कोई कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर। प्रतिदर्शन यानी कि सैंपलिंग की बात हो रही है। प्रतिदर्शन की जिस विधि में जनसंख्या के सभी वर्गों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है उसे तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? तो अनुपातिक रूप से बांटना, जैसे मान लीजिए हमें देखा कि 1000 लोग हैं और 1000 लोगों में हमें लेना सिर्फ 100 लोगों को है, लेकिन ये भी बटे हुए हैं अजीब अजीब तरीके से, 500 कुछ और लोग हैं और 500 मान लीजिए कि बड़ी क्लास में पढ़ते हैं और जो 500 हैं छोटी क्लास में पढ़ते हैं और उसमें भी क्लासेस बटी हुई हैं, तो यहाँ पर 300 लोग अलग हैं, 200 लोग अटे हैं अलग हैं, तो ये 200 300 500 में बटे हैं, तो हम किस तरीके से लेंगे, इसमें से 50 ले लेंगे, इसमें से 30 ले लेंगे, इसमें से 20 ले लेंगे, तो ये क्या है, अनुपातिक हो जाएगा। तो ये आएगा किस में, कोटा, सुव्यवस्थित या स्नोबॉल या स्तरित। तो सुव्यवस्थित तो कोई होता नहीं है, कोटा होता है, स्नोबॉल होता है और स्तरित प्रतिदर्शन होता है। तो चर वाला जो माफ कीजिएगा प्रतिदर्शन वाला जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी इन इन टाइप के प्रश्नों को हल करने में। सही है स्तरित, यानी कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम थोड़ा अनुपातिक रूप से जनसंख्या को विधिवत अनुपातिक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। आज का लास्ट क्वेश्चन वो आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है? तो पॉइंट पे नजर डालिएगा, दूरस्थ पद्धति पूछ रहा है और प्रभावी माध्यम पूछ रहा है, और खास बात अध्यापक शिक्षा की बात कर रहा है। तो कौन सा इन तीनों पॉइंट को मिलाकर सबसे अच्छा माना जाएगा, उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर देंगे। और इसी के साथ फिलहाल आज का ये विषय समाप्त होता है, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।